Hungry Spoon, subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. Hello everyone, welcome to Hungry Spoon channel. आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे. आज मैं आप सभी लोगों से अपने कटलेट की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि मैं आप सभी को दो तरह से बनाना बताऊँगी. आजकल हम सभी ज्यादातर कम ऑयल में खाना बनाते हैं, इसलिए मैंने भी अपने कटलेट को एक डीप फ्राई और एक एयर फ्रायर में बनाना बताऊंगी. यूं तो कटलेट बहुत तरह से बनते हैं, पर जाड़े के कटलेट की बात ही अलग. इसमें आप अपनी पसंद की वेजिटेबल डाल सकते हैं. जो बच्चे कुछ सब्जियां नहीं भी खाते होंगे, वे झट कटलेट के नाम पर वे तुरंत इस कटलेट को खा लेंगे. चलिए बिना देर किए सब्जियों से भरी मैजिक कटलेट बनाते हैं. मैं अपने रेसिपी के लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगी जो आप सभी के लिए यूजफुल है, तो वीडियो को बिना स्किप किए शिमला मिर्चा लिया है. अगर आपके पास बड़ा शिमला मिर्चा हो तो आप छोटे साइज का ले लें. एक गाजर मैंने लिया है, थोड़ा सा हरा धनिया मैंने लिया है, एक प्याज छोटे साइज का मैंने लिया है, दो से तीन मैंने हरी मिर्ची ली है, आधा कटोरी मैंने मटर लिया है. इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं. एक आधा नींबू मैंने लिया है कटा हुआ, अगर नींबू आपके पास नहीं है तो आप खटाई भी ले सकते हैं. आधा चम्मच एक ब्रेड की स्लाइस मैंने लिया है. अगर आपके पास ब्रेड की स्लाइस नहीं लेना है आपको, तो ब्रेड क्रम्स अगर हो तो ब्रेड क्रम्स डाल दीजिए एक चम्मच. मैंने तीन आलू लिया है अपनी जरूरत के हिसाब से. आप अपनी जरूरत के हिसाब से देख लीजिए, आलू घटा बढ़ा सकते हैं. इसके बाद मुझे कुछ मसालों की जरूरत है. इन मसालों में मैंने दो चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, भुना हुआ जीरा आधा चम्मच मैंने लिया है, कस्तूरी मेथी मैंने 1 पिंच या 1/4 स्पून आप ले लीजिए, काला नमक मैंने 1/4 स्पून लिया है, सफ़ेद नमक जो मैं रोज हम लोग अपने खानों में डालते हैं वो आधा चम्मच मैंने लिया है, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने लिया है. अगर आपको कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी है आप उसको हटा दीजिए. और तलने के लिए मैंने तेल लिया है. आइए मैं इन सब्जियों को ये इलेक्ट्रिक वेजिटेबल कटर में काट कर दिखाती हूँ. अगर इसमें नहीं काटना आपके पास नहीं हो कोई बात नहीं, आप चाकू के तरह से प्याज को, धनिया को और शिमले मिर्चा और गाजर और मिर्ची को महीन महीन काट कर भी आप कटलेट में मिला सकते हैं. मेरे पास ये था, इसी वजह से मैंने इसमें काटा. मैंने वेजिटेबल इलेक्ट्रिक कटर में इस सब्जियों को मैं डाल रही हूँ. इसमें मैंने प्याज डाल दिया, एक हरा मिर्चा मैं डालूंगी, ये धनिया मैं डाल दूंगी इसमें, शिमला मिर्चा मैं मोटा मोटा काट के डाल दूंगी. इस वेजिटेबल कटर में काफी महीन और अच्छा सब्जियां एक साइज में कट जाती हैं. मैंने इसको ऑनलाइन लिया है, इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा. ये मटर भी मैं इसमें डाल दूंगी. और ये ब्रेड का जो टुकड़ा मैंने बताया था एक पीस, इसको भी इसी में डाल दूंगी ताकि ये बराबर इनमें मिल जाए. मैंने इसमें सारी सब्जियां डाल दी हैं, प्याज मिर्चा धनिया गाजर शिमला मिर्चा और मटर, और एक ब्रेड का स्लाइस मैंने जो लिया था उसको भी मैंने डाल दिया ताकि इन सब्जियों के साथ अच्छे से वो मिक्स हो जाए और बराबर में कट जाए. चलिए इसको देखिए, ये अच्छे से कट गया है जिस तरह से मुझे कटलेट में चाहिए. बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करना है. इसकी ये जितना ये साइज है बहुत सही है हमारे कटलेट के लिए. ये बराबर मटर गाजर मिर्चा धनिया और ब्रेड का स्लाइस अच्छे से इसमें आपस में मिल गया है और बहुत अच्छा साइज बनकर हुआ है.
अब इसे इसमें मैं आलू और सारे मसाले मिलाकर कटलेट बनाकर दिखाऊंगी। बिना देरी किए हुए मैं इस कटलेट को बनाना बताती हूँ। मेरी ये सब्जियाँ सारी कट गई हैं, इन्हें मुझे निकाल लेना है अच्छे से। ये देखिए कितनी फाइन, बहुत ही अच्छी कटकर तैयार हुई है। एक बाउल में मैं इन तीनों आलू को ले लूंगी। आलू अपनी जरूरत के हिसाब से आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। मैंने तीन ही आलू लिया है क्योंकि मुझे इतनी ही क्वांटिटी में बनाना था कटलेट। सब्जियों और आलू को मैश करने से पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसमें ऑयल डाल दूंगी मैं ताकि ये गर्म हो जाए, जब तक मैं ये कटलेट के लिए सारा सामान तैयार कर रही हूँ। और मैंने एयर फ्रायर को प्री हीट 1 से 2 मिनट के लिए कर लूँगी ताकि मैं इसमें भी कटलेट बनाकर दिखाऊंगी आपको। चलिए ये बाउल में मैंने अपने तीनों ये आलू लेके अच्छे से मैश कर देना है। जाड़ों में कटलेट काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सब्जियां आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। जो बच्चे अगर सब्जियां नहीं भी खाते हों, कटलेट के बहाने से आप उनको खिला सकती हैं। मैश कर लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच गार्लिक पेस्ट डाल दिया। फिर उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी। फिर मैं इसमें मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर बताया है आपको, वो दोनों चम्मच इसमें मुझे डाल देना है। और ये चिली फ्लेक्स मैंने डाला है, नमक डाला है, काला नमक डाला, और ये कसूरी मेथी, भुना हुआ जीरा, इन सारे मसालों को मुझे इसमें डाल देना है। और ये सब्जियां जो मैंने काट के रखी है, इन सारी सब्जियों को मुझे इसमें डाल देना है। सब्जियों में आप बच्चों को कटलेट के रूप में बनाकर खिला सकते हैं। ये बच्चे अगर आपके सब्जी नहीं भी खाते हो तब भी ये कटलेट के तरह देखकर फौरन खा लेंगे और हम माओं का काम आसान हो जाएगा। कुछ कम से कम बच्चे कुछ सब्जियां तो खाएं। चलिए इसमें मैं आधा नींबू मैंने आपको बताया था, वो नींबू मैंने गार लिया है रस इसका, आधा नींबू भी मैं इसमें डाल दूंगी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए तेल भी मेरा होने वाला है, गैस का फ्लेम मैं थोड़ा सा कम कर दूंगी वरना ये कटलेट मेरा बहुत ही जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएगा। इन सभी को मिक्स कर देना है अच्छे से। मैंने सारी सब्जियां, नमक, मसाले जो भी मैंने बताए थे आपको वो सारे इसमें डाल के खूब अच्छे से इसको मसल लेना है ताकि सारी सब्जियां, कॉर्नफ्लोर, ब्रेड मैंने जो स्लाइस बताया था वो सारा अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। आप इसमें अगर आप डाइटिंग पे हैं तो आप आलू हटा भी सकती हैं, आलू की जगह आप सब्जियां और भी बढ़ा दें। बाइंडिंग के लिए आप कॉर्नफ्लोर ले सकती हैं, नहीं तो आप इसमें ओट्स भिंगा के वो भी डाल सकती हैं। अगर ओट्स ना हो, ब्रेड ना हो, तो आप बची हुई रोटियां भी इसमें डाल सकती हैं बाइंडिंग के लिए। मैंने आज इसमें ब्रेड इस्तेमाल किया है। इस तरह से ये मेरा ये तैयार हो गया है। मैं इसको अब एक एक बनाकर दिखाऊंगी आपको। मेरा एयर फ्रायर भी गर्म हो गया है जो मैंने प्री हीट के लिए लगाया था। इस तरह से कुछ आप इस शेप में बना लेंगे एक एक करके सारा। ये मेरा बनकर तैयार हो गया है। अब मुझे डीप फ्राई करना है। एक साइड में मैं डीप फ्राई करके दिखाऊंगी और एक साइड में मैं एयर फ्रायर में रख के दिखाऊंगी। पहले मैं एयर फ्रायर में रख देती हूँ।
एयर फ्रायर में बहुत ही अच्छा क्रंची बनकर तैयार होता है। जो कोई अगर ऑयल नहीं ज़्यादा पसंद करता है वो एयर फ्रायर में डालकर इस कटलेट को तैयार कर सकता है। ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें खूब ढेर सारी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं। मैंने इसको 15 मिनट के लिए लगा दिया है। 15 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन होकर निकल आएगा। आइए मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ और दूसरे वाले को एक एक कर में के मैं कढ़ाई में डाल दूंगी। ये शाम के नाश्ते के लिए ये सुबह के नाश्ते के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। साइड में जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसको पलट देना है आपको। ये कटलेट छोटे बड़े बूढ़े सभी को बहुत पसंद आता है। अगर कोई डाइटिंग पे है, अगर ऑयल में नहीं खाना चाहता है तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको एयर फ्रायर में डाल दीजिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है कोई बात नहीं, आप कुकर में हल्का सा तेल लगाकर उसमें भी इसको रख देंगे और रख कर ऊपर से ढक्कन सीटी निकाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे तो उसमें भी काफ़ी अच्छा कलर तैयार हो जाता है और बनकर तैयार हो जाता है। उसको भी ऑयल फ्री हो करके आप खा सकते हैं। अब मुझे देख लेना है। हाँ देखिए, ये मेरा एक साइड में हो गया है। ये अब मुझे इसको एक एक करके पलट लेना है ताकि दूसरे साइड भी ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। कटलेट बहुत ही जल्दी बनने वाली झटपट बनने वाली रेसिपी है। इसको मैजिक रेसिपी भी कह सकते हैं। ये जाड़ों के लिए तो खास तौर पे बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि गाजर हमें जाड़ों में गाजर फ्रेश मिल जाता है, मटर फ्रेश मिल जाती है, धनिया मिर्चा ये सब चीज़ें हैं जो कि जाड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ मिलती हैं। तो कटलेट बनाकर एक बच्चों को सब्जी खिलाने का एक बहाना बहुत ही अच्छा है। ये दूसरे साइड में जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए मेरी दोनों साइड में गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे एक एक करके मैं निकाल लूंगी, गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ बहुत ही आसान तरीके से मैं अपनी रेसिपी बताऊँ। जैसे इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो बची हुई रोटियाँ डाल दीजिए। चावल हो चावल पके हुए डाल सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह ब्रेड का चूरा अगर घर में हो वो आप डाल सकते हैं। कुछ भी ना हो आपके पास, जो नमकीन बिस्किट आती हैं बाइंडिंग के लिए, आप उसका भी चूरा डाल सकते हैं। ये देखिए तलकर ये मेरा डीप फ्राई में कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। अब मैं एयर फ्रायर में जो मैंने डाला था कटलेट उसको देखूं। आई देखते हैं मेरा एयर फ्रायर में कटलेट तैयार हो गया है कि नहीं। हाँ, ये एयर फ्रायर में मेरा कटलेट तैयार हो गया है। अब मुझे इसे निकालना है। एक एक करके मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी। ये देखिए बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। एक बूंद भी मैंने इसमें तेल नहीं डाला है और ये एयर फ्रायर में मेरा क्रंची और गोल्डन ब्राउन बनकर ये तैयार हो गया है। आइए मैं इसका प्लेटिंग कर देती हूँ। इस तरह से एक एक करके मुझे प्लेट में लगाना है। प्लेट थोड़ा सा अच्छे से आप सजाएंगे तो बच्चों को देखने में जब अच्छा लगेगा तो वो दौड़ के जरूर खाएंगे। ये मेरा एयर फ्रायर का है। ये देखिए कितना अच्छा देखने में लग रहा है। कुछ इस तरह से ये मेरा कटलेट वेजी कटलेट बनकर तैयार हुआ है।
आज की हमारी टिप्स है नींबू और अदरक पर। चलिए मैं पहले नींबू पे बता देती हूँ। नींबू बहुत ही फायदेमंद है, ये विटामिन सी से भरा हुआ है। इसको एक चम्मच नींबू का रस, एक चम्मच अदरक रस, एक चम्मच शहद मिलाकर अगर हम गर्म पानी में से पिए तो ये पेट का दर्द जिसको भी हो रहा हो ठीक हो जाता है। और दूसरा अदरक, अदरक में विटामिन ए और सी पाया जाता है। इस अदरक के एक टुकड़े को अगर हम दांत के नीचे दबा के कुछ देर छोड़ दें तो गले में जो खराश हम लोग की अक्सर बनती है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। ये थी आज की हमारी टिप्स एंड ट्रिक। आशा करती हूँ ये मेरी बताई हुई टिप्स आपको जरूर पसंद आएगी। थैंक यू। Respoon, subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update.